बीफ के साथ मैं बना रही हूँ मकरोनी, जो बहुत ही आसान तरीके से मैं बनाऊंगी आज। तो चले आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ये देखिए मैंने एक पैकेट मकरोनियों को लिया हुआ है, 3 टमाटर, 2 अदद प्याज और 4 सब्ज़ मिर्चें और एक पैकेट मैंने लिया हुआ है केचप का। बस यही चीज़ें डाल के आज हम बनाएंगे। ना हम इसके अंदर चिकन डालेंगे, ना ही हम डालेंगे इसके अंदर वेजिटेबल। तो इसके बगैर ही बहुत ही मज़े की बनती है। चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। पानी को उबलने के लिए रख दिया है, अब इसके अंदर डाल देते हैं तकरीबन 1/2 चम्मच नमक और 2 चम्मच के करीब इसमें डालेंगे ऑयल। तो पानी को उबलने देते हैं। ऑयल हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि मकरोनी है आपस में जुड़े ना। तो चले पानी उबलने का इंतज़ार करते हैं। पानी को उबलने के लिए रख दिया है, उतनी देर में हम टमाटर और प्याज की और मिर्चों की कटिंग कर लेते हैं। पानी उबलने लग गया है, अब इसके अंदर हम डाल देते हैं मकरोनिये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने इसके अंदर मकरोनिये डाल दी हैं, अब इनको हिलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे। उतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि ये गल ना जाए। तो ये देखिए इधर मैंने टमाटरों की और प्याज की भी मैंने कटिंग कर ली है। तो चले मकरोनियों को उबलने देते हैं। मकरोनियाँ अच्छे तरीके से उबल चुकी हैं, अब इनका पानी निकाल के ऊपर से ठंडा पानी डाल देते हैं। चले जी अब एक छन्नी में निकाल लेते हैं इस तरीके से। तो ये देखिए इस तरीके से हमने निकाल ली हैं, अब ऊपर से ठंडा पानी डाल देंगे। सारी के ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे क्योंकि आपस में जुड़े ना। तो इस तरीके से पानी डाल के तो फिर इनको एक साइड पे रखते हैं। अब मकरोनियों का मसाला तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले डालते हैं ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल बस ज़्यादा नहीं डालना, बस कम ही डालना है ऑयल। तो साथ ही हम डाल देते हैं इसके अंदर प्याज। प्याज की बिल्कुल बारीक बारीक सी और लंबी लंबी सी कटिंग करनी है क्योंकि मकरोनियों में अच्छा लगे प्याज डाला हुआ। तो थोड़ी देर के लिए इसे भून लेते हैं, गोल्डन सा कलर आने देते हैं इसे। प्याज को लाइट सा ब्राउन कर लिया है, तो अब इसके अंदर टमाटर और सब्ज़ मिर्ची डाल देते हैं। ये देखिए सब्ज़ मिर्चों में से मैंने ना बीज इस तरीके से निकाल लिए हैं क्योंकि बच्चों के मुंह में ना आए। बच्चों की तो फेवरेट होती हैं मकरोनी। तो ये देखिए मैंने टमाटरों की इस तरीके से कटिंग की हुई है लंबी लंबी सी। आप भी इस तरीके से कटिंग करें तो बहुत ही अच्छे लगते हैं डाले हुए, और पता भी चलेगा कि हमने इसके अंदर टमाटर डाले हुए हैं। चले एक मिनट के लिए इन सब चीज़ों को भून लेते हैं। टमाटर बिल्कुल नरम हो चुके हैं, अब इसके अंदर मसाले डालते हैं। बस यही मसाले डालूंगी जो मैं आपको बताने लगी। 1/2 चम्मच मैंने लिया है नमक का क्योंकि मकरोनियों में भी नमक डाला हुआ। 1/2 चम्मच ही हल्दी का और 1 चम्मच सुर्ख मिर्चों का, ये डाल देते हैं इसके अंदर। बस यही मसाले डालेंगे जो हमारे किचन में अक्सर ही मौजूद होते हैं ये वाले मसाले। तो बस इन्हीं मसाले से हम बनाएंगे। तो अब इसके अंदर एक पैकेट केचप का डाल देते हैं। मैंने ये वाला केचप का लिया, आप कोई भी दे सकते हैं। तो चलिए ये वाला डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से निकाल लेंगे, अब मिक्स कर देते हैं। अब मकरोनियाँ इसके अंदर डाल देते हैं। ये देखिए बिल्कुल नहीं जुड़ी क्योंकि मकरोनियों को उबालते वक्त आप लोग ऑयल और नमक ज़रूर डालें तो आपकी बिल्कुल जुड़ेंगी नहीं। जब आप गर्म पानी निकालें तो ऊपर से ठंडा पानी डाल दें तो इसी तरह की बनती हैं, बिल्कुल ही नहीं जुड़ती। तो चले अब इसमें मिक्स करते हैं, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। मकरोनियों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। ये देखें कितनी मज़े की बनी हुई है। अब इसे ना दम वाली आग पे 1-2 मिनट के लिए रख देते हैं क्योंकि अच्छे तरीके से नरम और अच्छे तरीके से सारे मसाले मिक्स हो जाएं। ये देखें आग मैंने इस तरह की रखी हुई है। चलिए अब इसे कवर कर देते हैं, तो फिर बाद में आप लोगों को इन दोनों बीफ की और मकरोनियों की फाइनल लुक दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। दम वाली आग पर रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं, बिल्कुल मकरोनी हमारी तैयार हो चुकी हैं। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी इसकी फाइनल लुक देख लें। तो अब मैं आप लोगों को डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल इतनी प्यारी, इतनी मज़े की बनी हुई है ना, बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी। मैं क्या इनकी तारीफ़ करूँ।
अगर आप लोग खुद बना कर देखेंगे तो फिर आप पता चलेगा कि आप ही वाकई तरीफे करती थी मकरोनियों की, बहुत ही मज़े की बनी हुई है इसी तरीके से मकरोनी। तो ये देख ले बीफ और मकरोनियों की फाइनल लुक। तो अगर आप लोगों को मेरी दोनों रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही मैं इसके ऊपर ना सबज पुदीना डाल रही हूँ, इसके साथ भी बहुत ही इसकी लुक बहुत ही अच्छी आएगी। इस तरीके से डाल देते हैं तो ये देखें कितनी प्यारी लग रही है। अगर आप लोगों को दोनों चीज़ें पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिया करें सभी के साथ। आप लोगों की देखने से ही मेरा हौसला बढ़ता है तो मेरी भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने को दिल करता है कि मैं भी अपने जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके साथ मैं भी शेयर करूं अच्छी अच्छी रेसिपी बनाकर। जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं उतने लोग मुझे देखते नहीं हैं, प्लीज़ सारे लोग आप लोगों ने मुझे देखा करें मेरी वीडियो को, तो लाइक और शेयर कर दिया करें। और इसी के साथ मैं जा चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।